आप सभी को आज बर्गदाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज जैसे कि बर्गदाई का व्रत है तो मैं पूजा करने जा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर तैयारी करी है कुछ पूजा की। और यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने साड़ी पहनी है और ये मंगलसूत्र पहन के मैं अपना तैयार हूँ। और मैंने कान के भी अपने बदल लिए हैं, जो रोज़ मैं पहनती हूँ उससे थोड़ा सा मैंने कान चेंज कर लेती हूँ। और अच्छे से खूब अच्छे से सिंदूर लगाया है, बड़ी सिंदी लगाई है। और तैयार होके अब मैंने कहा कि मैं पूजा करने जा रही हूँ तो आपसे मुलाकात कर लेती हूँ। तो चलिए फिर अब हम लोग पूजा करते हैं बरगदाई की। और हाँ, मेरे यहाँ पूजा करने के लिए सबसे पहले उसमें हम लोग, जैसे मैं आपको कई बार पहले भी बता चुकी हूँ, ओढ़ना ओढ़ा जाता है, तो वो ओढ़ना भी ओढ़ेंगे। तो अभी चलिए शुरू करते हैं। तो अब ये देखिए, मैं ओढ़ना ओढ़कर यहाँ पर खड़ी हो गई हूँ। और मैंने अपना इशिता से कहा कि मेरा एक पूरा वीडियो दिखाओ कि मैं कैसे लग रही हूँ ओढ़ने में और साड़ी पहनकर, क्योंकि साड़ी मैं हमेशा तो पहनती नहीं हूँ, तीज त्योहारों पर ही पहनती हूँ। तो आज जैसे कि मैंने बताया बरगदाई का त्यौहार है, तो हम लोगों ने, मम्मी जी ने और मैंने, सब ने साड़ी वड़ी पहन के तैयार हो गए हम लोग। और मम्मी जी ने भी अपनी चुनरी ओढ़ ली है। तो यहाँ पर जो ये तैयारी है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जो मैंने आपको पहले दिखाया था ना कि पीपल, सॉरी, बरगद का जो पेड़ है वो मम्मी जी ने पहले लोटे में रखा था, फिर बाद में मम्मी जी ने कहा कि चलो एक गमला ले आते हैं बाहर से, वो मिट्टी का, वो गमला उठा के लाई मम्मी जी, फिर उस पर ये बरगद का पेड़ जो है वो टहनी वो रखी। और ये गुलगुले हैं, इसमें ये बायने के लिए रखे हैं गुलगुले, उसमें पैसे निकाल के रखे हुए हैं। और ये रोली टीका कर लिया गया है। तो बायना रखने से पहले उसमें नीचे भी मैंने सथिया बनाया है, यहाँ पे खरबूजा है उसको रोली चावल से चिपचूंगी, गमले को मैंने सथिया बनाकर उसमें भी उसको सगुन का मैंने सथिया बनाया है, पत्ते पे भी रोली चावल लगाया है। तो इस तरीके से सभी चीज़ें, ये सगुन के जो काम होते हैं ये सब करेंगे। और इन्हीं जो पत्ते होते हैं बरगद के, इसी के ही हम लोग आभूषण भी बनाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था अपने लास्ट व्लॉग में, पहले जो बरगदाई का मैंने व्लॉग शेयर किया था लास्ट ईयर, उसमें तो हम लोग हमेशा जब भी ये बरगदाई का होता है व्रत, उसमें अपना ये जो बरगद के पेड़ की जो पत्तियां होती हैं, इस पत्तियों से कलावा बांध के अपनी चुनरी में कर, और जो हमारा मंगलसूत्र होता है उस पर हम लोग बांध के रख लेते हैं। और इस तरह से इसके गहने कहते हैं, हम लोग गहने बना लिए जाते हैं। तो वही मम्मी जी भी देखिए बांध रही हैं अपनी चूड़ी में, मैं भी अपना बनाऊँगी, एक चूड़ी में बांधूँगी और एक जो अपना मंगलसूत्र है उसमें बांधूँगी। तो जब हम लोग बस इसी तरह से पूजे का तैयारी कर रहे हैं। मम्मी जी ने एक खरबूजा और आम भी चढ़ाया था, अगर घर में जो भी फल हो वो चढ़ा देते हैं, पर क्या कहते हैं, हम लोग दोनों चीज़ें थी तो दोनों चीज़ें हम लोगों ने चढ़ा दी हैं। और फूल वगैरह सब है, रोली चावल और सिंदूर भी मम्मी जी ने रखा था, तो सिंदूर का भी टीका किया था हमने बरगद के जो पत्तियां हैं उसमें लगा के, फिर अपने भी सुहाग उससे लिया था हमने 5 बार। तो इस तरीके से क्या कहते हैं पूजा की गई। और एक कच्चा धागा भी है, अभी आपको मैं दिखाऊंगी आगे। ये देखिए, मैं ये सिंदूर लगा रही हूँ अपने। तो रोली चावल खुद को भी किया, मम्मी जी ने भी, मैंने भी, इसी तरह से पूजा करी हम लोगों ने। और ये देखिए, हम लोग अब पूजा पाठ कर रहे हैं। तो मम्मी जी भी रोली चावल लगा रही हैं, पत्ते पे मम्मी ने सिंदूर जो है सिंदूर लगाया है, और फिर उसी सिंदूर से अपने मांग में भी भरेंगी। ये देखिए भर रही हैं मम्मी जी। तो हम दोनों ने आज काफ़ी सालों बाद इकट्ठे पूजा की है बरगदाई की। ऐसे पूजा तो करते हैं पर मुझे लग रहा है 4 साल करीब करीब हो गया होगा बरगदाई की पूजा हम लोगों ने साथ में नहीं की है। ऐसे तो हम लोगों ने और पूजा की है पर आगे पीछे हो जाता है अक्सर। मैं अपना ऊपर करती हूँ अपने मंदिर में और मम्मी जी नीचे पूजा करती हैं। तो आज काफ़ी समय बाद हम लोग साथ में पूजा कर रहे थे, तो मैंने कहा वीडियो बनाते हैं। तो मैंने भी सुहाग ले लिया है और ये जो कच्चा धागा है, कच्चा धागा को हम लोग इस तरह से लपेटेंगे। तो मम्मी जी और मैं दोनों अलग अलग इस तरह से कच्चे धागे को लपेटेंगे 5 बार। तो मम्मी जी ने लपेट लिया है और अब मैं लपेटने जा रही हूँ। तो ये कच्चा धागा लपेट के बाद में, कहानी सुनने के बाद में धागा तोड़ लिया जाता है। तो आप किसी भी बच्चे से तोड़वा के अपना ये धागा वापस रख सकते हैं। और जो भी ये खरबूजा है और ये जो फल है, ये सब आप पंडित को दे सकते हैं या फिर आपको जिसको भी दान देना है दान दे सकते हैं। तो हमारे यहाँ इसी तरीके
तरीके से ही ये पूजा होती है। बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा झंझटी कोई हो चीज़, बस हम लोगों के सिंपल तरीके से पूजा पाठ होती है। तो अब मैंने ये जो आम थे, मैंने कहा ये गमले में चढ़ा देते हैं भगवान को, और मम्मी जी ने दिया भी जला लिया है। तो दिया के जलाने के बाद में अब हम लोग कथा पढ़ेंगे। तो कथा जो होती है आप जानते ही होंगे, वट सावित्री की। तो सावित्री की कथा हम लोग पढ़ने जा रही हूँ मैं, वो पढ़ूँगी। और जो फूल रखे थे मैंने कहा वो भी मैं चढ़ा देती हूँ। तो सब वो फूल भी हम दोनों ने चढ़ाए। काफ़ी सब अच्छा लग रहा था पूजा करते हुए, दिल को शांति भी मिलती है इस तरह की पूजा करो। और कभी कभी तो इस तरह के त्यौहार साल में एक बार आते हैं तो अच्छा तो लगता ही है पूजा पाठ करने में, और साथ में हो तब तो और अच्छा लगता है। तो खाना भी मैंने नीचे ही बना लिया था, बस हम लोगों के पूजा करने के बाद में फिर खाना खा लिया जाता है, और कोई व्रत नहीं होता है लंबा कोई। और गुलगुले जो बनाए हैं वो मैं मम्मी जी को दे दूंगी, और मम्मी जी अपना जिसको भी देना होगा बड़ों को उसको दे देती हैं। और उसके बाद में हम लोगों का अपना व्रत खुल जाता है। तो अब मैं ये कथा सुन रही हूँ वट सावित्री की, वो कथा सुन के उसके बाद में जो मेरा बायना है वो मैं मम्मी जी को पैर छू के दूंगी। और अब मम्मी जी ने जो अपना बायना है वो भगवान के आगे भी रख दिया है, वो बाद में उसको किसी को भी दे देंगी। तो ये देखिए हमारी पूजा संपन्न हो गई है। तो अभी जो हमने चुनरी ओढ़ रखी है वो तब तक नहीं उतारेंगे जब तक कि ये गुलगुले से हम लोग मुंह नहीं जुटा लेते हैं। तो देखिए अब मैं मुंह जुटाने जा रही हूँ अपना गुलगुलों से। तो इस तरह का हमारा ये आज का ब्लॉग रहा, ये पूजा पाठ हुई। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।